हेलो, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सुबह का ब्लॉग है। विनेगर, एप्पल साइड विनेगर मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था, जिसको गर्म पानी में डाल के पी रही थी। इतना खट्टा लगता नहीं है। और मैं बना रही थी साग, वो भत्थू, ऐसा कुछ भथुआ साग बोलते हैं ना उसको, तो वो मैं बना रही थी। और अभी तो ठंड का सीज़न है, ठंड के सीज़न में तो बहुत से वेजिटेबल्स मिलते हैं, और ग्रीन वेजिटेबल्स, चाहे पालक हो या फिर भथू हो या फिर और भी सरसों का साग, ये सब खाना चाहिए, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं राइस निकाल रही हूँ, और ये स्पून आप देख रहे हो जिसमें मैं मेज़र कर रही हूँ, क्योंकि हम दो लोग हैं ना, इसमें मुझे परफेक्टली मेरा मेज़र हो जाता है, तो बचता नहीं। अगर बच जाता तो मुझे ही खाना पड़ता रात में। तो अगर ज़्यादा लोग तो मैं ऐसे मेज़र करके नहीं बनाऊँगी, लेकिन बस दो लोग हैं तो इसमें मेरा आदत हो गया है डालने का, तो ठीक है, वेस्ट भी नहीं करना चाहिए खाना। तो यहाँ पे मैं इसको वॉश करके डाल दूँ, कि पानी ऑलरेडी गर्म हो चुका था। एंड साथ में मैं बनाने वाली थी बैंगन का भुजिया, और बैंगन यहाँ पे मैं, ग्रीन वाला बैंगन है वो मैं अभी कट करूँगी। और बैंगन तो मेरे बहुत सारे थे, इतने सारे भुजिया नहीं भी बनाऊँगी। आधे बैंगन का मैं थोड़ा सा पतला पतला उसको स्लाइसेस कट कर लूँगी, उसको मैं बनाऊँगी बेसन के पकोड़े होते हैं ना बैंगन वाले, तो वो तो मैंने इस ब्लॉग में नहीं दिखाया है, मैंने उस टाइम बनाया ही नहीं था उसको, बस मैंने कट कर लिया था पतले पतले स्लाइसेस में। तो यहाँ पे मैं लहसुन ले लिया मैंने साग को बनाने के लिए, और साग में ना अलग, थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप से बना रही हूँ। मैं सूखे सूखे वाले जो साग होते हैं वैसे नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा ग्रेवी वाला। तो चावल का जो पानी होता है ना, माड़, जिसको चावल बनने के बाद जो निकलता है, उससे थोड़ा सा ग्रेवी हो जाएगा। तो जिसमें मैंने साग को उबाला था उसी में मैंने तेल डाला, और लहसुन और हरी मिर्च को मैं बाद में डालूँगी। इसको अच्छे से मैंने मैश कर दिया, और पानी कहाँ से नहीं रहना चाहिए। इसके बाद वो जो माड़ है उसको डाल देते हैं, और ये ग्रेवी बनके रेडी हो जाएगा। इसमें आपको दाल की नीड नहीं होती, आप इसको गरम गरम खाओगे चावल के साथ तो बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने ऐसा नहीं खाया ना तो कभी बना के देखना। ये मेरी मम्मी बनाती थी ऐसे, तो उन्हीं से मैंने सीखा। तो यहाँ पे लगभग साग मेरा रेडी हो चुका है, अब चलते हैं हम बैंगन भुजिया बनाने के लिए। तो ये लाइट मुझे ना वीडियो बनाते समय बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी सामने से। तो अब टाइम आ गया है बैंगन का भुजिया बनाने का, और मेरे हस्बैंड का टाइम भी हो रहा था ऑफिस जाने का, तो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और ये मैंने अभी जो दिखाया ना, वो अचार है जो मैंने खुद से बनाया है मिर्ची का। और मैंने आज तक मिर्ची, मतलब कोई किसी चीज़ का अचार बनाया नहीं है, मैंने खुद बनाया। इतनी मुझे खुशी हो रही है ना उसको खाने में, क्या बताऊँ। लेकिन हाँ, बहुत तीखा है, बहुत ज़्यादा। मैं खुद एक पूरा मिर्ची नहीं खा पाती। तो यहाँ पर बैंगन का भुजिया बना लेते हैं, इसके बाद मेरा लंच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग खाना निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको जाना है ऑफिस, तो उनके लिए मैंने फटाफट निकाल लेती हूँ। और वो ना अलग से थाली कट, मतलब थाली में, वो एक ही थाली में बोलते सब कुछ डाल दिया करो, अलग से कटोरी वटोरी मत दो। तो मैंने उसी में साग डाल दिया, उसमें भुजिया भी डाल दिया, सब कुछ उसी में चाहिए उनको। मैं अलग से देती भी नहीं हूँ ना, तो वो बोलते नहीं मुझे एक ही थाली में दो, मैं उसी में सब कुछ खा लूँगा। बोले ठीक है भाई, मेरे भी बर्तन गंदे नहीं होंगे।
ये मेरा ऑलमोस्ट लंच का थाली कंप्लीट हो गया है। आप लोग भी गर्मा गर्म वेजिटेबल्स खाइए इस ठंडी में, और मज़ा लीजिए ग्रीन वेजिटेबल्स का, जो भी साग मिलते हैं बाहर, पालक हो और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। पालक तो मैं लाती रहती हूँ, और ये वाली साग तो अभी बहुत मिल रहे हैं मार्केट में, और सरसों का भी साग मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी दिया, वो भी धनिया पत्ता मैंने पहले ही बना के रखे थे। तो इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।